देश की ये तीन महान विभूतियां आपके सामने हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के पहले किसानों को प्रेरणा दी थी कि अगर अंग्रेजों के चुंगल से खुद की मानसिकता को आजाद करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि गुजरात में आप खुद का डेयरी प्लांट बनाएं, ताकि अंग्रेज आपके ऊपर जो अत्याचार करते हैं उससे आप बच सकें। यहां पर डॉक्टर वी कुरेन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका योगदान क्या है मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं इनकी तस्वीरें। श्री त्रिभुवन दास पटेल जी, आपको बताते चले 1946 में इन्होंने ही अमूल की स्थापना इस जगह पर की थी और इनके ही भरोसे पर आसपास के तमाम किसान एकजुट हो गए थे और जिस जमीन पर आणंद में ये जो अमूल का प्लांट है वो जमीन इन्होंने किसानों के नाम पर दान कर दी थी। अब मैं आ जाती हूं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पास। आपको बता दें कि प्रणेता इनको माना गया क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और देश भर में कैसे इसको विस्तार दिया जाए उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी और उसका पूरा श्रेय इनको जाता है। तो ये तीन चेहरे अमूल को आगे ले जाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्वेत क्रांति का इतिहास समझने के बाद अब हमारी बाइक ने जनता का मन टटोलना शुरू किया। काम वाम हुआ है इलाके में? नहीं हुआ है। काम तो ऐसा है, देखो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कौन सा नेता अच्छा है आपको लोगों के लिए? मोदी ही अच्छा है। मोदी ही अच्छा है? मोदी क्यों अच्छे है? मोदी अच्छा है, बस सरस है। कौन सा नेता पसंद है हमको? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? महीने 1000 रुपया देने का, लाइट भी फ्री, सब फ्री फ्री है, इसलिए केजरीवाल पसंद है। जीतेगी भाजपा? क्यों जीतेगी? उसका काम तो कितना अच्छा है। कौन सा? गरीब को खाना पीना, अनाज मिल रहा है। अनाज अनाज मिल रहा है ना। तो रहेगी सरकार या बदल जाएगी? नहीं रहेगी सर, रहेगी सरकार। हाँ सरकार तो यही रहेगी। सरकार रहेगी या चेंज होने जा रही है? वो थोड़ा परिवर्तन होगा। आप कह रहे हो महंगाई ज्यादा है, खेती में महंगाई है ना, तो ये वाली सरकार रहेगी या बदलने जा रही है? सरकार तो यही रहेगी, लेकिन महंगाई है। महंगाई है। सरकार रहेगी या चेंज होने जा रही है? रहेगी सरकार। रहेगी क्यों? रहेगी, वो मोदी है। मोदी आज भी सुना दुनिया में वर्ल्ड में पीएम बड़ा प्रधान सबसे वन नंबर का है। वर्ल्ड में बड़ा प्रधान वर्ल्ड नंबर वन है, इस वजह से गुजरात में वही रहेगी। वही रहेगी। आणंद जिले में विधानसभा की 7 सीट है, जिनमें 2017 में सिर्फ 2 सीटों पर कमल का करिश्मा दिखा था, बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस ने कमाल कर दिया था। खंभात और उमरेठ में बीजेपी काबिज है, जबकि बोरसद, आंकलाव, आणंद, पेटलाद और सौजित्रा सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट को मोदी मैजिक पर पूरा भरोसा है। वो कहते हैं कि इस बार मिल्क सिटी में भी भगवा परचम लहराएगा। को लग रहा है कि आशीर्वाद जनता देगी? पिछली बार बड़ी मुश्किल हो गई थी, इस बार उस चुनौती से पार पाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? पिछली बार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुजरात में कुछ सामाजिक ध्रुवीकरण चल रहे थे, इस वजह से थोड़ा बीजेपी में नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार सब समाज मिलके बीजेपी को जिताने का एक संकल्प कर लिया है और इस बार बहुत ज्यादा सीटें, मैं मानता हूं कि 140 से ज्यादा सीटें आएंगी। आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन रही है? पिछले चुनाव या तो गुजरात का एक मोल देखिए तो थर्ड पार्टी कभी गुजरात में रोल नहीं करती है, तो आप पार्टी यहाँ मेरे हिसाब से पूरे आनंद जिले में कहीं भी कुछ काम कर नहीं रही है। 3 दशक से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सियासी संग्राम होने का ट्रेंड रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली वाले केजरीवाल और उनके नेता दावा कर रहे हैं कि गुजरात में भी पंजाब जैसा प्यार बरसेगा। कैसा चल रहा है सर प्रचार आपका? सर हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं मैडम, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है हमें। कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर लगता है कि जनता आपको वोट करेगी? सबसे ज्यादा तो हमें यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ जो झुकी है, स्लम एरिया है, इतना भ्रष्टाचार यहाँ लगा हुआ है। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है? कांग्रेस ने ये सीट जीती थी पिछली बार, तो इस बार मुकाबले में कांग्रेस है या फिर बीजेपी है? मुझे तो दोनों नहीं दिख रही है। दोनों ही नहीं है? नहीं है। लेकिन कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई देती है और कांग्रेस का दावा है कि ये वाली सीट तो कांग्रेस ही जीतेगी। इस बार यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ सब परेशान है, व्यापारी वर्ग भी जीएसटी से परेशान है, किसान भी परेशान है, महिलाओं का बजट खोर वगैरह है। कांग्रेस की सरकार में 600 रुपये का तेल का डब्बा आज
3000 के पार कर गया है। 50 रुपये का कांग्रेस का शासन में डीजल पेट्रोल था वो 100 के पार कर रहा है। इस बार महंगाई से सब आम आदमी भी त्रस्त हो गए थे, इस बार गुजरात में परिवर्तन की लहर है। महंगाई के मुद्दे पर भी हमने दुकानदारों और लोगों से सवाल पूछे, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मोदी के आगे महंगाई भी नहीं मायने रखती। सरकार रहेगी, रहेगी सरकार, क्यों? भाजपा आएगी, भाजपा ही आएगी। उसको जो विकास किया है बहुत अच्छा किया है। कौन सा विकास बहुत अच्छा है? हम तो देखते हैं रोड है, फैक्ट्री है, जॉब है, सुविधा देता है बीच को। पहला ही पीएम ऐसा मिला है शायद लोगों को, अभी तक ऐसा दूसरा कोई पीएम नहीं। अब मिलेगा भी नहीं, कोई मिलेगा भी, अब विश्व भी नहीं मिलेगा। विश्व में नंबर वन है बिल्कुल। पहले सरदार, बाद में मोदी। रहेगी सरकार, बदलने? हाँ जी, हाँ जी, यही रहेगी। इतना सारा सामान आपकी ये दुकान है, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, लोग आते होंगे, कितनी मुश्किल होती होगी? कुछ नहीं, सब चलता है यार। रहेगी सरकार बीजेपी की या बदलेगी? ऑल विश्व में उसका स्टैंप लग गया है, देश विदेश में सब जगह पे रहेगा मोदी, ऐसा मोदी चलेगी, मोदी की सरकार। फ्री में देने की बात कर रहे हैं ना? कौन? अरविंद केजरीवाल। वो तो बोलेगा, बोलने में क्या पैसा लगता है।